रैली निकल रही है उनको बुलाओ, मुस्लिम समाज को बुलाओ, मैं बुलाता हूँ, सबको बुलाता हूँ, आएंगे ना सब। आप कहते गिने चुने लोग हैं, मगर सब बाकी जो जिहाद के लोग भी जो कहेंगे बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से लाओ मुस्लिम लड़कियों को 2-2 लाख रुपए देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटमेंट, उल्टा चोर को तलाक को डाटे। त्यांच्या प्रयत्नामुळे काही मुलींचा आमच्या हिंदू मुलींचं आयुष्य उद्या बर्बाद होईल तर जबाबदार हे असणार का? तेव्हा हे येतील का तिथे तिचं आयुष्य चांगलं करायला? काही ज्या मुली गायब होऊन जातात, सौदीला विकल्या जातात, आज तारीख और टाइम बता मैं लेके जाता हूँ, मैं भी आपको पिकअप कर लो, नहीं मैं आपको बचा नहीं चलता, मैं आपको दूंगा 10,000 रुपए लेके जाता हूँ। नीतीश दादा, ये गलत है ना, आप विधान होना चाहिए हवाला पे ना, आप ये एक दो केसेस मत सर, एक लाल किसी से प्यार करते हैं कोई किसी को मांगे ना, महल और झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हम हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, सर ये आप बोलते हैं मगर बाकी के लोग पता नहीं क्या करते सर, आप बोल रहे हैं सर, ये आपका सोच सब में डालेंगे तो सब सब अच्छा है ना, यही सोच है, नहीं ना ये आपकी सोच सब में जानी चाहिए, नहीं जाती है। आप एक काम करो ना, जो आपको रोज रैली निकल रही है उनको बुलाओ, मुस्लिम समाज को बुलाओ, मैं बुलाता हूँ, सबको बुलाता हूँ, सामने ही नहीं आएंगे ना सब। आप कहते गिने चुने लोग हैं मगर सब बाकी जो जिहाद के लोग भी क्या उनको सोचे ना, ऐसा थोड़ी होता है। एक लाने नहीं देता नहीं कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल, मिलेगा नहीं तो कैसे बनाऊं मैं, कहा दिन तो रात बोल दूं क्या? एक रात लग जाए मतलब एक रात, अरे बूम खाली क्या? आज तक पूरे भारतवर्ष में एक मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा जो ये कहेगा जाओ मुसलमानों हिंदू शादी करो, और यहाँ पर मैं हजारों लोग दिखाऊंगा जो कहेंगे बेटी बचाओ और बहू लाओ के नाम से लाओ मुस्लिम लड़कियों को 2-2 लाख रुपए देंगे। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेटमेंट, उल्टा चोर को तलाक को डाटे। इस देश में हिंदुओं के बीच में मुसलमानों की इमेज को खराब करके इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं और कुछ नहीं। धर्मांतर विरुद्ध जे खरी माहिती देतोय त्यांना माहिती आज नाही तर उद्या एक्सपोज होणार आहे म्हणून तडफडीने आलं जाऊन, पण ह्या त्यांच्या प्रयत्नामुळे काही मुलींचं आमचं हिंदू मुलींचं आयुष्य उद्या बर्बाद होईल तर जबाबदार हे असणार का? तेव्हा हे येतील का तिथे तिचं आयुष्य चांगलं करायला? काही ज्या मुली गायब होऊन जातात, सौदीला विकल्या जातात, तेव्हा हे येतील का सांगायला? त्यांना इथे बोलून बोलणं सोपं आहे, पण त्या मुलींचं कधी अश्रू पुसायला जा तेव्हा कळेल काय होतं, तेव्हा त्यांचं काय म्हणणं होतं, ते काय बोलत होते? त्यांचं म्हणणं आहे की होतच नाही, देखो हे ऐसा आहे, काही हिंदू काही बीजेपीच्या नेत्यांच्या, मी काय बोलतो, लग्न कोणी कोणावर करू काही आक्षेप नाही, पण लग्नाच्या अगोदर तू आशिष असतो, लग्नाच्या नंतर तू आमिर होऊन जातो, हे प्रॉब्लेम आहे ना। तू त्या हिंदू मुलीला लग्नाच्या नंतर पण हिंदू ठेव ना, काय हरकत आहे? तुला का पाहिजे की तू लग्नानंतर तिने कुराण वाचावं, तिने हिंदू देवी देवतांचा फोटो काढावा, हे कसले पण जबरदस्ती? ह्या जबरदस्तीचा आमचा आक्षेप आहे, ह्याला समजूनच घ्यायचं नाहीये, कारण हे ना इसके ऊपर हमारा आक्षेप है, उनको सुनना ही नहीं है, जो सच सुनने की आदत नहीं है, नहीं सुनेंगे ना तो भी हम लोग सुनाते बैठे कि उनको जो सुनने की आदत अभी डाल देनी चाहिए। नीतीश जी आप उनको बोल रहे थे, वो मान नहीं रहे थे आपकी बात, आप लगातार उन्हें समझा रहे हैं। अभी सालों साल लगाया हुआ चिंगम है, वो निकालने को थोड़ा वक्त लगेगा, मगर उनको सुनने को आदत, अभी सुनने की आदत उनको डालनी पड़ेगी, अभी उनको इसलिए बोल रहा हूँ, मैं प्रूफ के साथ बात करूंगा तभी उनको समझेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।